हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग हाउ आर यू नाउ आई एम योर इंग्लिश ग्रामर टीचर सीमा शर्मा फ्रॉम रोजवुड पब्लिक स्कूल जैती ठीक है हमने अभी तक नाउंस पढ़े और काइंड ऑफ नाउंस पढ़े ठीक है नाउंस, कॉमन नाउंस न्यूटर, नो जेंडर्स भी पढ़े हमने ठीक है आज हम नाउंस के बारे में और पढ़ेंगे जैसे कि नाउंस को नाउन्स आपने देखा है नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग होता है ठीक है और जब हम नाउन्स को और डिस्क्राइब करते हैं नाउन के बारे में बताते हैं तब उसको एडजेक्टिव कहते हैं मतलब उसके बारे में बताने को मतलब उसको डिस्क्राइब करते हैं डिस्क्राइब करना मतलब उसके बारे में बताना जैसे नाउन नेम है लड़की है बॉय है गर्ल है तो उसके बारे में अगर हम कुछ बताएंगे तो वो शब्द जिस जो शब्द हम उसके बारे में बताएंगे वो एडजेक्टिव कहलाएगा तो आज हम उसी को पढ़ेंगे वॉट आर एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स मोर अबाउट अ नाउन मतलब नाउन के बारे में और बताता है नाउन के नाउन को डिस्क्राइब करता है तो एजेक्टिव्स आर ऑल्सो नोन एज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स डिस्क्राइबिंग मतलब हमने आपको बताया कि उस किसी भी चीज़ के बारे में बताना अब जैसे रोज़ है फूल है अब फूल क्या है फूल बड़ा है सुंदर है किस रंग का है तो जिस शब्द से आप उसको डिस्क्राइब करेंगे उसके बारे में बताएंगे वो शब्द जो है वो एडजेक्टिव कहलाएंगे ना जैसा हम कहते हैं रोज अ रेड तो रोज हाँ तो रोज़ जो है वो कैसा है रेड है और सनी डे मतलब जैसे धूप ऊप खूब खिली होती है धूप निकली रहती है हैं तो या फिर क्लाउड्स अगर होंगे तो हम कहेंगे क्लाउडी डे पर अगर धूप निकली हुई होगी तो हम कहेंगे सनी डे ये सनी डे है धूप निकली हुई अब ये क्लाउन है हंसाता है क्लाउन सर्कस में उसका फनी फेस है कैसा फेस है फनी फेस है नाउ अब ये जैसे आप बर्गर खाते हो हैं? अ हॉट बर्गर कैसा बर्गर अ हॉट बर्गर गरम। आप गरम ठंडा जैसा भी खाते हो द ग्रेट किंग द किंग द ग्रेट किंग अगर हम कहते द ग्रेट किंग काइंड किंग सैड hmm? किंग तो जो भी शब्द हम किंग के बारे में बताएंगे, उस शब्द को जिस वर्ड से डिस्क्राइब करेंगे वो एडजेक्टिव कहलाएगा अ हार्ड रॉक रॉक मतलब पत्थर जैसे माउंटेंस में पहाड़ी इलाके में आ, वो होते हैं ना रॉक्स होते हैं ना माउंटेंस होते हैं ना, पहाड़ियाँ होती हैं ना तो वो पहाड़ जो है बड़ा हार्ड है हार्ड मतलब सख्त है आप मतलब तोड़ने के लिए आप हाथ से तो नहीं तोड़ सकते उसको आपको तोड़ना पड़ता है हथौड़े से तो वो हार्ड हार्ड मतलब सख्त ओके सो हियर द वर्ड्स रेड सनी फनी हॉट ग्रेट एंड हार्ड आर डिस्क्राइबिंग द क्वालिटी ऑफ रोज़ डे अब जैसे रेड रोज था ना तो रोज़ को डिस्क्राइब कर रहा है रेड बता रहा है कि रोज़ कैसा है रेड है डे डे कैसा है सनी है धूप निकली हुई है तो सनी डे है फेस कैसा है फनी फेस है फेगर कैसा है रहे थे तो हॉट बगर है किंग कैसा है ग्रेट है रॉक कैसा है हार्ड है सो जितने भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं उनको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं अब हम आगे देखेंगे एंड सर्कल द एजेक्टिव यूज टू डिस्क्राइब द बॉडी पार्ट्स ऑफ अ जिराफ अब ये देखिए फोटो में आप जिराफ देख रहे हैं है ना तो जिराफ कैसा होता है टॉल एनिमल होता है ठीक है ना जिराफ जो होता है वो टॉल एनिमल होता है तो उसकी क्या, गर्दन की कैसी होती है लॉन्ग नेक होती है लॉन्ग नेक और उसके स्किन पे बॉडी पे ऐसे ऐसे पैचेस बने होते हैं पैच पैची स्किन है ना पैच पूँछ कैसी होती है छोटी छोटी पूँछ, छोटी पूँछ होती है हैं? और उसकी हाइट कैसी होती है टॉल होता है जिराफ कैसा होता है टॉल होता है टॉल ठीक है तो ये जिराफ है का, उसके कान भी होते हैं और छोटे छोटे हॉर्न होते हैं सींगे होती हैं छोटी हॉर्न का मतलब सींग छोटी सींग होती है तो जिराफ टॉल होता है हाइट में लंबा होता है गर्दन लंबी होती है लॉन्ग नेक कैसी नेक लॉन्ग नेक स्किन कैसी होती है पैची स्किन उसके बॉडी पे पैचेस पड़े होते हैं डिज़ाइन जैसा बना रहता है पूछ कैसी है उसकी स्मॉल टेल है जितने भी वर्ड स्मॉल लॉन्ग पैची स्मॉल टॉल ये सब जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं उनको कहते हैं एडजेक्टिव्स ठीक है अब हम ये देखिए अब हम मैच कर रहे हैं करेक्ट एडजेक्टिव विद द रिलेटेड पिक एप्पल है कैसा होता है एप्पल रेड होता है बिल्डिंग है बिग बिल्डिंग है बड़ी बिल्डिंग है देखिए बड़ी बिल्डिंग है ग्रास कैसा है ग्रीन ग्रास है वुमन hmm? कैसी है ओल्ड वुमन है कोल्ड कोल्ड ड्रिंक ड्रिंक कैसा है कोल्ड है कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना कोल्ड है और ये लॉन्ग स्टिक है स्टिक मतलब डंडी छड़ी तो ये लॉन्ग है ठीक है अगेन नाउ वी विल चूज द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू डिस्क्राइब जैसे इसमें दो वर्ड्स दिए हुए हैं दो वर्ड्स दिए हुए हैं दो वर्ड्स दिए हुए, 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 हुए हैं इसमें तो इसमें से दोनों में से एक आपको लिखना आई हैव ब्लैक हेयर अब आपके पास ब्लैक हेयर है या ब्राउन हेयर है दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो आपका काला हेयर है तो आप लिख लो ब्लैक हेयर है माई हेयर इज कर्ली लिख दो ठीक है माई आईज आर ब्लैक आपकी आईज ब्लैक है तो आप ब्लैक लिख दीजिए आपकी आईज ब्राउन है तो आप ब्राउन लिख दीजिए आपकी आईज ब्लू है तो आप ब्लू लिख दीजिए सो ऑल दीज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जब किसी भी नाउन को नाउन आपको पता है नाउन इज नेम ऑफ पर्सन प्लेस एंड एनिमल एंड थिंग तो जो नाउन को जब डिस्क्राइब करते हैं तो उन शब्दों को हम एजेक्टिवस कहते हैं एडजेक्टिव्स को हिंदी में विशेषण कहते हैं ठीक है आज आज के लिए आज इतना ही आपको एडजेक्टिव्स याद करने हैं और उसके ऊपर हम एक्सरसाइज होमवर्क में दें